एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, इसरो में वैकेंसी आई, हम बताए थे कि अभी काफी सारा वैकेंसी आने वाली। रीजन ये था क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए काफी सारा वैकेंसी आने ही वाली। लेकिन अगर आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट नॉन टेक का तैयारी करते हैं तो ये गाइस ऐप आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ पे आप लोग को नॉन टेक का क्लास भी मिल जाएगा और नॉन टेक का आपको गाइस टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, हालांकि हम अभी इसरो से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले, वन बाय वन करके काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जब भी वैकेंसी आती है तो आप में से काफी सारे बच्चे के मन में काफी सारे डॉट भी आना शुरू हो जाता है, तो एक ही करके काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग के एग्जाम से कोई नोटिस या इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। बाकी टेलीग्राम पे हम इनका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट शेयर कर चुके हैं। यहाँ पे गैस आप लोग का जो वैकेंसी है 9/12/2023 से ये फॉर्म फिल चालू हो जाएगा और 31/12/2023 तक ये चलने वाला, तो जितना जल्दी हो सके कितना जल्दी आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। हालांकि इसका सर्वर काफ़ी अच्छा होता है, तो डोंट वरी, उनके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, एप्लीकेशन फी गैस 500 रुपये है। बाकी गैस की वैकेंसी बहुत ही कम है गैस, हालांकि ITI लेवल के तो एग्जाम में 54 वैकेंसी है। बाकी आप ITI की 10+ लिखा है तो ITI करना है तो पहले तो 10th करना ही पड़ेगा, टाइम अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल आपका एज चाहिए। बाकी गैस आप देख लीजिएगा, टेक्नीशियन बी का वैकेंसी है। अगर सैलरी का बात करें गैस यहाँ पे 21,700, मतलब सैलरी बहुत ही कम है गैस, बट कोई बात नहीं, सैलरी कम है चल जाएगा। इसरो के नाम से ही गैस काफ़ी सारे बच्चे जॉब करने के लिए जाते रहते हैं। इसरो नाम सुन के काफ़ी सारे बच्चे को मन कर जाता है जॉब कर, जो भी जानता है वो। ठीक है, हालांकि सैलरी ये 70,000 रुपये तक जाने वाले हैं। फैसिलिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है, हालांकि एग्जाम का हम बात करने वाले हैं, फैसिलिटी भी डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि एग्जाम के बारे में हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम के बारे में बात करें गाइस यहाँ पे आप लोगों को 90 मिनट दिया जाएगा, मतलब 1.5 डेढ़ घंटा दिया जाएगा, 80 क्वेश्चन होगा और निगेटिव मार्किंग भी, तो उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। स्किल टेस्ट होगा पहले आप लोगों का गाइस, जो रिटन टेस्ट होगा आप लोग वो कर लीजिएगा। हालांकि गाइस ये टेक्निकल एग्जाम है तो टेक्निकल भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और नॉन टेक भी पूछा जाएगा, तो मैं नॉन टेक कवर कराता हूँ आप लोग के लिए। इनके अलावा अगर हम फैसिलिटी का बात करें, इनके अलावा कटअप का बात करें यहाँ पे, तो देखिए फैसिलिटी में बात करें, फैसिलिटी बहुत कुछ देता है, बस एक बार सिलेक्शन होने पर देरी होती है इसमें। बाकी फैसिलिटी इतना मिलेगा ना जितना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, रूम फैसिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, ना जाने बहुत सारा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है साथ में गैस। इनके अलावा अगर हम बात करने लगे कट ऑफ कितना जाती है, तो कट ऑफ मैं हमेशा बता दूँ, देखिए पिछले साल की अपेक्षा, देखिए कोई भी एग्जाम हो अगर मैं कट ऑफ थोड़ा सा अगर बताऊँ यहाँ पे, तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं तो समझ लीजिए 70% अगर आप आ रहा है आपका टेस्ट में, तो समझ लीजिए एक सेफ जोन में है। एग्जाम गैस आप लोग को बहुत ही जल्दी, ज़्यादा डिले नहीं करती इसरो, हमेशा इसरो हो या DRDO हो टाइमली ले लेती है, मतलब 3 मंथ के अंदर अंदर आपका एग्जाम वगैरह सारा कुछ कंडक्ट करवा दिया जाएगा, तो डोंट वरी उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, तैयारी जारी रखिए और आराम से गैस तैयारी करिए यहाँ पे। इनके अलावा गैस बात करें, 80 में से कम 32 नंबर तो आपको लाना ही है रिटेन टेस्ट में, मतलब पास होने के लिए आप लोग का। इनके अलावा कोई और आपके मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इनके अलावा गैस आप लोग का जो एग्जाम का सेंटर है, अगर हम आपको बता दें तो सेंटर, जैसे कि आप बिहार से तो पटना, यूपी से तो लखनऊ, मतलब आप समझ लीजिए जो भी राज्य है उन राज्य के गैस राजधानी में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और जहाँ जहाँ इसरो का ब्रांच है वहाँ वहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग भी होगा, डोंट वरी। फैसिलिटी में बता दूँ आप लोग को, तो गैस सैलरी के अलावा भी काफ़ी सारा आपको फैसिलिटी मिल जाएगा जो कि गैस सैलरी के साथ ही आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि रूम का फैसिलिटी आपको मिलेगा, इनके अलावा गैस मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, इनके अलावा आपके बच्चे तक का भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाता है गैस। इनके अलावा मालूम नहीं कौन कौन सा गैस RADA, ये बहुत सारा लग के काफ़ी सारा फैसिलिटी आता रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।